नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एचडी क्लासेस में स्वागत है। एंड इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेंसेस। लेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लेंसेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेस, द टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस एंड एवरीथिंग एल्स व्हिच इज कंसीडर एंड एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस। जो भी है लेंसेस के बारे में लर्न करेंगे। इट इज द सेवंथ लेसन, 10th स्टैंडर्ड साइंस पार्ट 1, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ओके, तो उसके बारे में लर्न करेंगे। बिफोर दैट अर्लियर स्टैंडर्ड, इन द 9th स्टैंडर्ड, हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे मिरर्स। ओके, प्लेन मिरर, देन द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, स्पेरिकल मिरर, मतलब प्लेन एंड स्पेरिकल मिरर। ओके, उनके बारे में लर्न किया था। तो इस लेसन में हमें लर्न करना है लेंसेज के बारे में। मिरर की डेफिनेशन आपको पता है इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। देन मीन्स आज का जो हम लोग का टॉपिक है लेंसेज, उसके बारे में डिटेल्स हम लोग स्टडी करेंगे। आपको कुछ टाइप्स आपके बुक में दिए, जो मैं बता दूँ, बाई कॉनकेव कॉन्वेक्स, देन द प्लानो कॉन्वेक्स, देन द पॉजिटिव मिनिस्कस, देन द बाई कॉनकेव, देन द प्लानो कॉन्केव एंड द नेगेटिव मिनिस्कस। दीज आर दी सम टाइप्स ऑफ लेंसेज विच आर शोन इन योर बुक ऑल्सो। ओके, एंड टूडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू योर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। वन इज द कॉन्वेक्स लेंस, वन इज द कॉन्केव लेंस। और उनके टर्म्स जो द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द ऑप्टिकल सेंटर्स, देन जो भी पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे, देन द फोकल लेंथ एंड द प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। ओके, फोकस पॉइंट, तो ये सारी टर्म्स जो लेंसेज से रिलेटेड है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। विच लेंस इज कॉल्ड एज द कॉन्वर्जिंग लेंस एंड विच लेंस इज कॉल्ड एज द डाइवर्जिंग लेंस, ये भी हम लोग लर्न करेंगे। तो रे डायग्राम्स ऑफ लेंसेज, सारे के सारे लॉज उससे रिलेटेड है वो लर्न करेंगे। तो ये लेसन जो है आपका, मतलब आपको लेसन्स की पूरी डिटेल्स दे देगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू लेंसेज इन ब्रीफ। ओके, इन माई वे, विथ गुड एक्सप्लेनेशन। एंड वन थिंग इज रिक्वायर्ड, इट इज़ यूर अटेंशन। ओके, आप थोड़ा ध्यान देके सुनो, ध्यान देने के मतलब लर्न करने की कोशिश करो। ये लेसन बहुत ईजी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस लेसन को, मतलब लर्न करने के लिए। मेरे पास फर्स्ट लेंस का जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये उसका रियल डायग्राम है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ इसको। तो दिस इज द कॉन। ओके, थोड़ा सा डायग्राम इधर उधर हो जाएगा। इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ सी दैट द मिडल पार्ट इज थिकर एज कंपेयर टू द ends of the lens. Okay, means this is the outer part, means the middle part is thicker as compared to the two ends of the lens, is known as the convex lens. Now when I just draw the spheres for the convex lens, then I will get two spheres. Okay, so S1 and S2 like this, I will get two spheres. जो मैं यहाँ पर आपको highlight करके दिखा रहा हूँ, मतलब इसके डायग्राम्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की थी, पर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। ओके, दीज आर दी टू स्पेयर्स। नाउ देर आर सम टर्म्स रिलेटेड। ओके, दिस इज C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द फर्स्ट स्पेयर एंड दिस इज द सेकेंड C2 मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर फर्स्ट स्पेयर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द सेकेंड स्पेयर। ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस पी इज द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर्स एंड दिस इज द लेंस। दिस इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंस। ओके, क्रॉस मतलब इससे मैंने उसके स्पेस निकाले, उसकी जो भी पॉइंट्स थे उनको यहाँ पे मैंने कंसिडर कर दिया। एंड नाउ सेकेंड टाइप इज अ कॉनकेव लेंस। मेरे पास दूसरा टाइप जो बनता है कॉनकेव लेंस, दिस इज द रियल डायग्राम ऑफ द कॉनकेव लेंस। ओके, सो फॉर द कॉनकेव लेंस द मिडल पार्ट इज थीनर एज कंपेयर टू द एंड पार्ट्स ऑफ द लेंस। ओके, टू एंड पार्ट्स ऑफ द लेंस। ओके, दिस मिडल पार्ट इज थीनर एंड द आउटर पार्ट इज बल्जेज। ओके, तो ये मेरा कॉन्केव लेंस है एंड दिस क्रॉस सेक्शन, सेम पॉइंट्स आर हियर। ओके, R1, C1, R2, C2, S1, S2। ओके, तो ये दो टाइप्स लेंसेस के मुझे यहाँ पे लर्न करने, मेन टाइप्स में बता दूँ। फर्स्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस, सेकेंड इज द कॉन्केव लेंस। ओके, तो ये दो मेन टाइप्स है। अभी ये दो मेन टाइप्स है, दिस टाइप्स आर गिवन, दिस डायग्राम्स आर गिवन इन योर बुक एंड सम टर्म्स रिलेटेड टू द लेंसेस। ओके, हमें क्या करना है, टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस में लर्न करना है। तो हम टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस को लर्न करना स्टार्ट करेंगे। सो दीज आर दी टू टाइप्स एंड दीज आर दी डाइग्राम्स। ओके, दिस इज पी, एक्चुअली दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस है जो दोनों लेंसेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है। ओके,
The principal axis is passing from the two centers of curvatures of two spheres of the lens and the optical center. Okay, optical center क्या होता है उसका definition मैं बताऊंगा आपको. So first मेरा जो definition बनता है the center of curvature, उसको C capital C लिखते the first definition. Okay, the center of curvature, the center of curvature. Okay, और center of curvature खाली D नहीं लिखा तो चलेगा, इसको C से represent करते हैं हम लोग. सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर इज करेक्ट. ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर इतना ही चाहिए मुझे. ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फर्स्ट हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, दी की जरूरत नहीं. सो हाउ कैन वी डिफाइन, मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ बट आई एम जस्ट यूजिंग दिस डायग्राम टू डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो मेरे पास फर्स्ट डेफिनेशन बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा. सो नाउ सी दैट, ओके दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज द सेंटर. सो एवरी लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बिकॉज एवरी लेंस हैज टू स्पेयर्स. ओके द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स, अभी कैसे डेफिनेशन बनेगा देखो, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स स्पेयर्स, ओके द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स, मैंने बताया द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स. आपके बुक में जैसी दी वैसे डेफिनेशन, पहले वाली डेफिनेशन अलग थी, अभी के बुक के सिलेबस की डेफिनेशन अलग है. तो अभी के बुक के सिलेबस की डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स हुज हुज, ओके द सेंटर ऑफ स्पेयर्स हुज पार्ट्स पार्ट्स फॉर्म, ओके द सेंटर ऑफ स्पेयर हुज पार्ट्स फॉर्म. देखो द सेंटर ऑफ स्पेयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म्स सर्फेसेस ऑफ लेंसेस, सर्फेसेस ऑफ लेंसेस, सर्फेसेस ऑफ लेंसेस. देखो एकदम ईजी है, द सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म्स सर्फेसेस, दिस सर्फेसेस ऑफ लेंसेस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इज कॉल्ड द, इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस. ओके सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स, आई थिंक सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स दिया रहेगा, ओके आर कॉल्ड, आर कॉल्ड दिया, तो इसको इसके जगह आर डालते हैं. ओके आर कॉल्ड मतलब दोनों के लिए दिया है, आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ लेंसेस. ओके एवरी लेंस आइदर इट इज द कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हैज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर्स. ओके एवरी लेंस, एवरी लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स. ओके सो दैट इज सी वन एंड सी टू. ओके तो ये मेरा फर्स्ट डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया. The centers of space whose parts forms the surfaces of lenses are called the centers of curvatures of lenses and every lens has two centers of curvatures C1 and C2. ये मेरा first definition था जो मैंने आपको बताया, बहुत easy है. यहाँ पर diagram देखना है the centers of spheres whose parts, okay whose parts, इसका ही एक part बना है, तो ये दो छोटे parts है, whose parts forms सर्फेसेस ऑफ लेंस, ये दो सर्फेसेस ऑफ लेंस आर कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ लेंसेज, एवरी लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स C1 एंड C2. ओके ये मेरा फर्स्ट डेफिनेशन था. देन सेकेंड रेडियो ऑफ, आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकेंड डेफिनेशन मेरे पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके इसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते, इसको आर से रिप्रेजेंट करते बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय आर. ओके नाउ यहाँ पे सेंटर्स ऑफ स्पेयर्स, ओके ये वर्ड ऐसे रहेगा हुज पार्ट्स फॉर्म्स, ये नहीं है, ऐसे नहीं आएगा. ओके द रेडियस ऑफ स्पेयर्स, ओके हुज पार्ट्स फॉर्म्स सर्फेसेस ऑफ लेंसेस इज आर कॉल्ड एज द, आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, ये डेफिनेशन है द रेडियो, ओके ऑफ द स्पेयर्स हुज पार्ट्स फॉर्म सर्फेसेस ऑफ लेंसेस, राइट सेम है. ओके सो द रेडियो ऑफ स्पेयर्स, यहाँ पे सेंटर्स की जगह है ना बच्चों, आपको एक ही काम करना है, इसको यहाँ पे रेडिया में रिप्लेस करो. आपको डेफिनेशन बना बहुत ईजी आएगा ताकि हम जब भी सीखते तो मुझे एक डेफिनेशन से दूसरी डेफिनेशन कनेक्ट करना आना चाहिए तो मुझे सब कुछ आ जाएगा. देखो द रेडिया, ओके देर आर टू रेडिया एक्चुअली,
R1 एंड R2, ओके, द रेडिया ऑफ स्पेयर्स, यहाँ पे खाली मैंने एक ही वर्ड डाला है, द रेडिया, ओके, यहाँ पे सेंटर्स की जगह, ऑफ स्पेयर्स, ओके, हुज पार्ट्स, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किए मैंने, हुज पार्ट्स फॉर्म surfaces of lenses are called radia of curvatures of lenses, okay, same definition, यहाँ पे खाली रेडिया वर्ड डालो, आई थिंक इज द सेम, देर इज नथिंग चेंज, ओके, और कॉल्ड रेडिया ऑफ कर्वेचर्स, ओके, ऑफ लेंसेस यहाँ पे, ओके, और कॉल्ड रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस, ओके, कर्वेचर इज द, आई थिंक कर्वेचर वर्ड को एस कहीं पे मुझे नहीं दिखा रही है, तो कर्वेचर जो वर्ड है ना उसका एस मतलब कर्वेचर ही, ओके, कर्वेचर्स नहीं होता है उसका, ओके, तो कर्वेचर ऑफ लेंसेस, एवरी लेंस हैज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर, C1 एंड C2, द रेडिया ऑफ स्पेस हुज पार्ट्स फॉर्म सर्फेसेस ऑफ लेंसेस आर कॉल्ड द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस और लेंस, ओके, यहाँ पे लेंसेस कभी यूज़ किया, लेंस यूज़ किया, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, ओके, सो एवरी लेंस हैज टू रेडिया ऑफ कर्वेचर, every lens has two radii of curvature, R1, R2, आपको समझ में आ रहेगा, ये R1 या R2 दोनों के लिए सेम है, मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं, मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, तो चलो प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करते हैं हम लोग, थर्ड डेफिनेशन है मेरे पास, प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करेंगे हम लोग, विल डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस जिसको हम लोग पी से इंडिकेट करते होंगे, तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा मैं बताऊँ, द इमेजिनरी लाइन, ओके, द इमेजिनरी लाइन मतलब इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, एक लाइन पास हो रही है जो मैं दिखा रहा हूँ, ये द इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम और थ्रू, पासिंग थ्रू both centers of curvature of lens is called principal axis. Actually मैं आपको एक बात बता दूँ, द इमेजिनरी लाइन, ये जो लाइन पास हो रही है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स प्लस ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, बट वी आर जस्ट राइटिंग द इमेजिनरी लाइन विच passing through both centers of curvatures, okay, of lens is called the principal axis, उसको बोला जाता है principal axis, I think the same definition is given there, okay, यही definition है, principal axis, of lens दिया है, आप of lens लगा दो चलेगा, because lens, this word is most time, because lens is already there, so no need to write, but इट इज़ गिवन, सो एक्स्ट्रा बेनिफिट से उसका थोड़ा अलग सा डेफिनेशन दिखे, तो ये मेरे फर्स्ट थ्री डेफिनेशंस थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द थर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, उनका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया, एंड दिस डेफिनेशंस आर वेरी इजी, बिकॉज वंस यू अंडरस्टूड द क्राइटेरिया ऑफ डेफिनेशन यू कैन ईजीली राइट सच डेफिनेशंस, ओके, इन बोर्ड एग्जामिनेशन और योर रेगुलर एग्जामिनेशन, बिकॉज फॉर सच टाइप ऑफ टॉपिक्स देर इज लिटल अंडरस्टैंडिंग, लिटल एप्लीकेशंस एंड लिटल एप्लीकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड, आपको चाहिए हो थोड़ी सी आपकी खुद की कौशल्य चाहिए, जिससे आप लोग किसी भी तरह की राइटिंग अच्छी तरह से लिख सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर राइटिंग सिस्टम, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है, वेन एवर देर इज़ अ पेपर राइटिंग, जब भी किसी को राइटिंग के मार्क्स मिलने रहते हैं, मतलब अंडरस्टूड कितना, उससे ज़्यादा एप्लीकेशंस कितना आता है, वो भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, सो दिस इज फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये मेरी डेफिनेशन बन गई है यहाँ पे तीन, अभी मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस पॉइंट एंड द फोकल लेंथ, दिस आर द थ्री डेफिनेशंस, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट रिमेनिंग थ्री डेफिनेशंस एंड देन वी विल कंप्लीट दिस टॉपिक, दिस टॉपिक नेम इज टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस, ओके, आइदर कॉन्वेक्स लेंस, आइदर
कॉन्केवलेंस दोनों से रिलेटेड है मतलब, ओके ये हम लोग यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। ओके तो ये दोनों जो ये तीन पॉइंट्स जो है ना मेरे, वो सेम पॉइंट्स हैं बोथ लेंसेस के लिए, देयर इज नो चेंज। और जो ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन है वो भी सेम है। अभी मेरा फोकल लेंथ फोकस पॉइंट, ये इसका डेफिनेशन थोड़ा सा अलग है, एंड देन द फोकल लेंथ, ओके वो सेम डेफिनेशन रहेगा। ओके सो फोकल पॉइंट का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। ओके एक कॉन्वर्जिंग लेंस है मेरे पास, एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो टू एपियर लिखते हैं एंड रियल, एक में रियल है, रियल है मतलब रियल ही वैसे होता है, एक का टू एपियर मतलब ऐसा मतलब होता है ऐसा लगता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको मैं आपको समझा देता हूँ। बट यू लर्न दिस ऑल डेफिनेशंस वेरी एक्यूरेटली बिकॉज देर आर सम चांसेस टू आस्क दिस डेफिनेशंस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जाम में आने की चांसेस रहती है, और ये लेसन्स आपको मतलब अच्छी तरह से करना चाहिए, ये लेसन ही सब लेसन करो। ओके तो आगे की डेफिनेशंस लर्न करते हैं। तो चलो आगे के तीन डेफिनेशन जो बचे हैं मेरे, थ्री डेफिनेशन उनको लर्न करते हैं हम लोग। मेरा नेक्स्ट डेफिनेशन ऑप्टिकल सेंटर, ओके उसको ओ से हम लोग ऑप्टिकल सेंटर में आपको बता दूं, जिसको ओ से हम लोग कैपिटल ओ के रिप्रेजेंट कर दें। और ऑप्टिकल सेंटर में बता दूं, ये ऑप्टिकल सेंटर फर्स्ट का है, सेकेंड का ऑप्टिकल सेंटर हो, ओके द पॉइंट इनसाइड अ लेंस, इसका डेफिनेशन ऐसा है, द पॉइंट पॉइंट इनसाइड इनसाइड अ लेंस, ओके थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस, ओके ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। देखो मेरे पास है द पॉइंट इनसाइड अ लेंस, ओके इनसाइड अ लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस लिखना होगी, ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है। ओके द पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देयर पाथ इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ओके कि जिस पॉइंट से अगर कोई भी लाइट रे आता है तो उसका डायरेक्शन चेंज ही नहीं होता, मतलब देर इज नो रिफ्रैक्शन, जैसे हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था, रिफ्रैक्शन ही होता नहीं होता, मतलब उसका देर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ दैट लाइट, इट पासिस विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, ओके सो देर इज नो रिफ्रैक्शन, द ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट इनसाइड अ लेंस ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच द लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देर लाइट रेज पास विदाउट चेंजिंग देर पाथ इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। तो एक ऐसा पॉइंट इस लेंस के अंदर जिसके ऊपर अगर कोई भी लाइट रे अगर फॉल होता है उसके ऊपर पड़ता है तो वो अपनी जगह मतलब अपना मतलब जो पाथ है उसको छोड़ता नहीं, उसी पाथ से जाता है, मतलब उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ये हम लोग को इनडायरेक्टली यहाँ पे लर्न करना है। मेरे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसका नाम है मेरे पास प्रिंसिपल फोकस, ओके और फोकस पॉइंट, आई थिंक इट इज़ फोकस प्रिंसिपल फोकस, ओके प्रिंसिपल फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल फोकस है मेरे पास, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल फोकस एफ, ओके तो अब इसका डेफिनेशन दोनों लेंस के लिए अलग बनता है। ओके मेरे पास दो तरह के लेंस है, एक है कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉन्केव लेंस, सो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ओके व्हेन अ लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑन द कॉन्वेक्स लेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन दे आफ्टर रिफ्लेक्शन और आई थिंक दैट इज गिवन when light rays parallel to the principal axis are incident on a convex lens they converge to a point on the principal axis, okay sahi hai, dekho abhi light rays hi parallel rahenge, uska diagram aapki book mein diya hai, light rays parallel to the principal axis when light rays I think okay when light rays parallel to the principal axis when light rays parallel okay parallel to through the principal axis to the principal axis incident on convex lens incident on convex lens they converge to a point
they converse to a point on the principal axis is called principal focus point. I think focus point ही बोलना चाहिए उसको. focus दिए खाली यहाँ पे focus of the lens. okay, focus of a lens. अभी मैं एक बात बता दूँ. when light rays parallel to the principal axis incident on convex lens they converge to a point on the principal axis is called as the principal focus point. इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं हम लोग. the light rays parallel to the principal axis after reflection. ओके, आफ्टर रिफ्लेक्शन और उसको आफ्टर रिफ्रैक्शन बोलेंगे हम लोग. कॉनवर्स और कम एट द सेम पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस. इस तरह का पुराने सिलेबस में डेफिनेशन दिया था. लेकिन व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस दे कॉन्वर्स टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस. There are two principal focus. Okay, each lens has two principal focus for this pair one and this pair. Okay, light ये side से भी आ सकती है, ये side से भी आ सकती. So हर एक lens के लिए two principal focus रहते हैं. वो जब आप ray diagrams निकालते हो तब आपके दिमाग में आ जाते हैं what is mean of principal focus. होंगे तो ये आपको learn करने को मिलेगा ray diagrams के time. अभी मेरे पास next है when light rays parallel to the principal axis incident on concave lens. Okay, they diverge to a point on principal axis is called as the principal focus of lens. ये convex lens के लिए मैं आपको खाली एक ही word यहाँ पे change करने को बोलूँगा. आपके book के अंदर अलग definition दी है तो आप इसको they appear to be diverge ऐसे लिख दो. They appear to be diverge to a point on the principal axis. ये word यहाँ पे आप डाल दो कॉनकेव लेंस के लिए. यहाँ पे कॉनकेव लेंस लिखना है आपको. कॉनकेव लेंस ये वर्ड लिखना है और आपको डेफिनेशन चेंज करनी है फॉर कॉनकेव लेंस. ओके, व्हेन लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन कॉनकेव लेंस दे अपीयर टू बी डाइवर्स टू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस. ये मैं आपको कॉनकेव लेंस के लिए डेफिनेशन बता रहा हूँ जिसमें थोड़ी सी चेंजेस है. अभी फोकल लेंथ का लास्ट डेफिनेशन है जो मेरे पास एकदम ईजी है. आपको क्या लिखना है? द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस. ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर्स एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ओके, लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है मेरा फोकल लेंथ. ओके, फोकल लेंथ हम लोग देखेंगे. फोकल लेंथ जो हम लोग f से इंडिकेट करते हैं, फोकल लेंथ f. ओके, इट इज मेजर इन द मीटर्स. The distance between the optical center and the principal focus is called focal length of the lens. The distance between optical center means O and principal focus of a lens is called focal length of a lens. Okay, इस तरह लिखेंगे. The distance between optical center and principal focus of a lens is called the focal length. मतलब ये distance है. मेरे पास f यहाँ पे रहेगा तो इसके बीच का distance, f यहाँ पे रहेगा तो इसके बीच का distance. मैं यहाँ पे अगर f लिखता हूँ f1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ f2 तो ये distance जो है इसको बोलेंगे हम लोग f, focal length. और ये साइड करेगा तो ये डिस्टेंस को बोलेंगे. यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पे एफ लेता हूँ ये थोड़ा सा अलग है तो ये रहेगा, यहाँ पे लेता हूँ तो ये रहेगा. ओके, फोकल लेंथ. सो डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ लेंस इज कॉल्ड द फोकल लेंथ. उसको बोला जाता है फोकल लेंथ. सो दीज आर द 6 डेफिनेशंस और ये 6 डेफिनेशंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस. प्रॉपर्टीज ऑफ लेंस आपको समझनी है, रे डायग्राम्स ड्रॉ करनी है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फॉर अ लेंस ये आपको लर्न करना है. तो इन सारे केसेस में आपको ये प्रॉपर्टीज आना चाहिए और ये बेसिक है. ओके, दिस डेफिनेशंस आर बेसिक. ओके, ऑफ द लेंस क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी अगर आपको चाहिए
तो ये डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए. सो डू द प्रॉपर प्रिपरेशन ऑफ ऑल दिस डेफिनेशंस. आपको प्रॉपर प्रिपरेशन करना है, प्रॉपरली अंडरस्टूड करना है, और आपको सीख लेना है किस तरह राइट करते हैं. राइट करना आपको आना चाहिए और उसका मीनिंग तो आपको ईजीली समझ में आता है, ताकि ये सारी सारी डेफिनेशन जो मैंने स्टार्ट से लिखी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द ऑप्टिकल सेंटर, देन द प्रिंसिपल फोकस एंड द फोकल लेंथ, ये सारी सारी डेफिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा ईजी अगर आप उसको उनको सही तरीके से करते हो तो. ओके, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया. अभी मेरे जो बाकी के पॉइंट्स इस लेसन में बचे हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करेंगे, लर्न करेंगे. सो वी विल लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक एंड इट इज़ द रे डायग्राम्स फॉर रिफ्रैक्शन, और उसको इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस ये बोलते हैं हम लोग. रे डायग्राम्स फॉर रिफ्रैक्शन, मेरे पास यहाँ पे थ्री रूल्स बनते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस के लिए थ्री रूल्स बनते हैं जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ. वेन एवर आई एम गोइंग टू ड्रॉ द रे डायग्राम्स फॉर गिवन कंडीशन, तो रूल्स के मैं फर्स्ट रूल बताता हूँ. इफ़ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. द रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. मैं आपको समझा देता हूँ, चाहे तो एक एक देखो. इफ द इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने पी नहीं निकाला, यहाँ पे निकाल देता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस. इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, तो ये प्रिंसिपल फोकस से यहाँ से पास होता है. ओके, ये फर्स्ट रूल है मेरा, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, देर आर थ्री रूल्स आई थिंक. ओके, तो चलो इसको लिख के भी मैं बताता हूँ आपको क्या है रूल 1. ये आपको रे डायग्राम्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है. रे डायग्राम्स बहुत ईजी रहती है, मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी दूंगा. इफ द इंसिडेंट रे, ओके इंसिडेंट और ओनली इंसिडेंट आई थिंक द इंसिडेंट रे इट इज़ करेक्ट. The incident ray is parallel, okay, is parallel to the principal axis, to the principal axis, then a refracted ray. आपके बुक के अंदर प्रिंटिंग मिस्टेक है, अर्लियर इस रिफ्लेक्टेड रे दिया है. The refracted ray passes through principal focus, through principal फोकस. ओके, ये मेरा फर्स्ट बनता है डेफिनेशन, मतलब फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल मेरे पास जो है, मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए डायग्राम ड्रॉ की. इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, F1, F2, मेरे पास दो प्रिंसिपल फोकस रहते हैं हर एक लेंस के लिए. इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस है आपका. ओके, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन रिफ्रैक्टेड, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल, ओके इज पैरेलल, सॉरी पासेस नहीं लिखना, इज पैरेलल, इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रहेगा. आप देख लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है. ओके, दिस इज सेकेंड रूल. एंड रूल नंबर 3, ओके रूल नंबर 3 जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, मैंने यहाँ पे ऑप्टिकल से F1 नहीं लिखा, F2 नहीं लिख देता हूँ. इफ द इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ओके If incident ray passes through the optical center, it does not change its path. ऐसा ही कुछ रूल रहेगा, मुझे ऐसे लगता है. When the incident ray passes through the optical center of the lens, it passes without changing its direction. Okay. When incident ray passes through the optical center. then it does not change its path. Okay, मुझे लगा ऐसा, नहीं तो it passes without changing its direction. आप ऐसे लिख दो,
तो ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे मैंने नाम नहीं दिया, देखो इसका रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा एक्चुअली, ओके देर इज नो रिफ्रैक्शन बिकॉज इट इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, ओके इट डज नॉट चेंज इट्स पाथ, ऐसे मतलब सिचुएशन है आपके बुक में। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे मतलब मेरे पास जो बुक है उसके अंदर रिफ्लेक्टेड रे दी है, बट दैट वर्ड इज रॉन्ग। ओके तो ये थ्री लॉज है आपके, थ्री रूल्स है फॉर द रे डायग्राम एंड फॉर मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ रे डायग्राम बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आप ये थ्री रूल्स यूज़ करना चाहिए आपको जब भी कभी भी डायग्राम्स निकालनी पड़ेगी, फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट, फॉर द स्पेसिफिक प्लेस, ओके F1 to F1, F2 to F2, ये दो, ये मतलब ये फोर प्लेसेस है, देन इन्फिनिटी एक प्लेस रहती है, तो ये इनके लिए आपको इस तरह की डायग्राम्स बनानी पड़ती है। और मैं बता दूँ जो डायग्राम्स रहती है ना बहुत ईजी रहती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखता हूँ तो मुझे बहुत स्मॉल पॉइंट सोर्स इमेज मिलती है, वेरी वेरी स्मॉल टाइनी इमेज मिलती है। सो वेन आवर ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी आई गॉट द इमेज एट फोकस, ओके बिकॉज रेज आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कुछ मतलब चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, आपको इमेज कैसे फॉर्म करनी है ये भी मैं बताऊँगा, और आप ना वो इमेज फॉर्म करके देखो, आप बना के देखो, आपको मजा आएगा। आपको अगर इमेज बनाने के लिए थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो ओल्ड सिलेबस का अगर किसी के पास बुक रहेगा तो उसके अंदर बहुत फंतास्टिक इमेजेस दिए, कैसे इमेजेस बनाते सब दिए, आप उसको रिफ़र कर सकते हो। सो इट इज़ वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट द इमेजेस, और आपको मतलब मैं दिखा भी देता हूँ, मेरे पास एक बुक है जो कि पुराने सिलेबस का है, ओके तो जिसको मैंने संभाल के रखा है मेरे पास। सो आई विल शो यू द इमेजेस, ओके इमेजेस किस तरह बनती है। तो ये आपके ये थी तीन रूल्स है मैंने आपको जो समझाए हो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पे ना आपकी सिक्स इमेजेस दिखाई है, आप चाहे तो देख लो, दीज आर दी इमेजेस, ओके ये इमेजेस अब किया, और ये फर्स्ट है, ओके इससे मतलब ये सेकेंड है, ये थर्ड है, देन द फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, सिक्स इमेजेस किस तरह से बनती है आप चाहे तो इसको देख लो एक बार, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह से इमेजेस बनाई जाती है। और मैं इनको चाहे तो आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि एग्जैक्टली इफ़ यू आर क्लियरली वॉचिंग दिस, ओके तो जो इफ़ द इंसिडेंट मतलब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहता है तो आपकी जो इमेज है पॉइंट सोर्स बन जाती है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी एंड 2F1 के बीच में रहेगा तो आपकी इमेज है ना वो F2 एंड 2F2 के बीच में आ जाएगी, मतलब ऐसी इमेज देखो आपका ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज पीछे आ रही है ऐसी, ओके अगर ऑब्जेक्ट आपका 2F2 पे रहेगा तो इमेज भी आपकी 2F2 पे ही बनेगी, ओके इट इज़ ये, ओके ऑब्जेक्ट अगर 2F2 के आगे जाता है इमेज आगे जाती है, देखो जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है इमेज भी आगे आगे जा रही है, देखो ये मेरी यहाँ पे बनी बाद में यहाँ पे फिर उसके आगे फिर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट अगर F1 पे रहेगा तो इमेज इन्फिनिटी पे रहती है, ताकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रहेगा तो इमेज F1 पे बन जाती है। तो ये आपको कुछ चीज़ें, अगर ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आता है तो इमेज आपको इरेक्ट मिलती है, वर्चुअल मिलती है, रियल नहीं मिलती, ओके सो इन्वर्टेड नहीं मिलती है। तो ये कुछ पॉसिबल कंडीशंस है, मैं आपको चाहे तो इमेजेस निकाल के बताऊंगा, एंड दीज थिंग्स और दीज रूल्स आर वेरी यूजफुल टू कंस्ट्रक्ट द इमेजेस, ओके टू मेक द इमेजेस, टू ड्रॉ द इमेजेस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, और वैसे ही हम लोग कॉन्केव लेंस के लिए भी, उसकी भी इमेजेस आपको वर्ल्ड सिलेबस की बुक में दे दी थी, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए, अभी के सिलेबस की बुक में नहीं दिए, बट क्वेश्चंस विल बी आस्क, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, तो एग्जाम के लिए आपको इन इमेजेस को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एंड दैट इमेजेस विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट द इमेज फॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द डिफरेंट प्लेसेस फॉर द कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो चलो ये था मेरा एक पॉइंट जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बहुत ईजी पॉइंट था, अभी हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते और मैं आपको एक एक चीज़ समझा के देता हूँ। सो वी विल लर्न अबाउट द इमेज कंस्ट्रक्शन, ओके ऑब्जेक्ट मैंने यह चार इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, दो इमेज आपको खुद को करनी है, ओके तो चार इमेजेस में मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ जो आपको आई एम पी, मुझे ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना, इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये चार डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दो। मेरा जो फर्स्ट कंडीशन रहता है इट इज़ एट द इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ओके मान लो ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी है, तो उसका इमेज किस तरह से बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो द रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरा फर्स्ट रूल मैं यहाँ पे एप्लीकेबल करता हूँ, जो भी रेज थे मेरे वो पैरेलल रहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस को, और आपको मैं बता दूँ ये जो डिस्टेंसेस है सारे के सारे डिस्टेंसेस ये जो एग्जैक्ट रहने चाहिए, ये डिस्टेंसेस सब इक्वल होने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए,
यू जस्ट टेक द परफेक्ट डिस्टेंसेस, ओके, जो F1 to F1, F2 to F2, सारे डिस्टेंस आपके इक्वल होने चाहिए, तो आपकी डायग्राम एग्जैक्ट लेती। तो मेरा रूल बोलता है इफ द रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे पासिस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो मेरा जो रे जो है मेरा रिफ्रैक्टेड वो प्रिंसिपल फोकस से जाता है, ये मेरा रूल बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूँ, दिस इज अकॉर्डिंग टू माई रूल, ओके, मेरा रूल बोलता है। तो मेरा जो रिफ्रैक्टेड रे है मेरे पास वो हमेशा क्या करता है, प्रिंसिपल फोकस से जाता है, ओके। तो ये मेरा फर्स्ट डायग्राम बनेगा, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ओके। एंड जो मेरा डायग्राम बनता है, इमेज जो बनता है, जो इमेज ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है, पॉइंट सोर्स बनता है, वेरी वेरी टाइनी बनता है, ओके। सो मेरा फर्स्ट जो है प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो रहती है, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, इन्फिनिटी, व्हाट इज इन्फिनिटी, ओके, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये बनेगी एट एफ टू, और उसका जो साइज रहेगा उसका पॉइंट वेरी टाइनी, ओके, वेरी टाइनी, और पॉइंट, ओके, वेरी टाइनी। एंड नेचर जो रहेगा आपका इमेज का, नेचर रियल एंड इनवर्ट रहेगा, रियल एंड इनवर्ट, ओके, ये फर्स्ट के लिए आता है, ओके, रियल एंड इनवर्ट, ये वर्ड आपके बुक के अंदर यूज़ किए गए, आपको चाहिए तो देखना पड़ेगा, आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर गिवन, ओके, इन्फिनिटी मेरा रियल एंड इनवर्टेड, ओके, इन्वर्टेड, तो ये वर्ड आपको इन्वर्टेड, ओके, यहाँ पे लिखना है। तो मैंने बताया प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, कहाँ पे बनती है, प्लेस इन्फिनिटी है, साइज वेरी टाइनी, आई थिंक साइज ऑफ इमेज पॉइंट इमेज, ओके, इट इज पॉइंट, एंड नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, ये माई फर्स्ट कंडीशन। व्हेन आई टेक द ऑब्जेक्ट बिटवीन द टू F1 एंड द इन्फिनिटी, इनके दोनों के बीच में लेता हूँ, तो अभी मेरे पास जो इमेज बनेगी वो किस तरह बनेगी मैं आपको बताता हूँ। तो मेरा फर्स्ट जो रे मेरा ए बी था, तो यहाँ पे मेरा ए बी नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन यहाँ पे दिखा सकता हूँ। अभी मेरा फर्स्ट जो रे रहता है ना, ये ऑलवेज मतलब एक रे तो पैरेलल जाता ही, मतलब ऊपर से जाएगा, ओके, एंड अबाउ साइड है, ये मैंने ऊपर की तरफ दिखा है, ए मेरा ए बी है, ओके, तो ये मेरा एक पैरेलल गया। और दूसरा रे जो मेरा है ना, ये सीधा अपने ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाता है, मतलब दिस इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। मेरा स्केल थोड़ा छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा स्केल चाहिए था एक्चुअली, पर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा ये, अभी ये जाएगा आगे, देखो इसको मैं आगे करता हूँ थोड़ा सा, मतलब इधर उधर हो सकता है, बट ऑन द नोटबुक इट इज़ वेरी क्लियरली यू कैन ड्रॉ दिस, आप नोटबुक पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं खाली आपको समझाने के लिए, डायग्राम समझाने के लिए कर रहा हूँ, ओके। तो मेरा एक रे गया ऑप्टिकल सेंटर से, अभी अकॉर्डिंग टू रूल मेरा जो फर्स्ट रे जो गया यहाँ से, इट विल बी पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल मीन्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये मेरा जो ऊपर का रे है ना, प्रिंसिपल फोकस से ही जाएगा, ओके। तो मेरा जो इमेज है ना, एग्जैक्टली देखो आपको इन्वर्टेड बनेगा, और ये थोड़ा सा स्लाइडली आगे आ गया, बट ये थोड़ा पीछे आ जाएगा, ओके। सो ये बनेगा यहाँ पे, ओके, मेरा ए डॉट रहेगा, ए बी डॉट रहेगा, ओके, ये इमेज रहे आपका। एंड देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ओके, सो दिस इज सेकेंड कंडीशन, मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट, ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑब्जेक्ट का जो सेकेंड का, ये फर्स्ट था मेरा, ये सेकेंड लिखता हूँ, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट मैं लिखता हूँ, प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब नीचे लिखना चाहिए, मैं इधर लिख रहा हूँ, ओके, बिटवीन इन्फिनिटी एंड टू एफ वन, ओके, देन प्लेस ऑफ इमेज, जो मेरा प्लेस ऑफ इमेज जो था, इमेज बिटवीन जो मेरा था, बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू, इसके बीच में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। एंड साइज ऑफ इमेज का जो साइज़ है आपका, मैं बता दूँ, ये आएगा आपका स्मॉलर आएगा, मतलब स्मॉलर लिखना चाहिए, ओके। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ इमेज, जो आपका नेचर आएगा, इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, इन्वर्टेड, आपकी जो लास्ट पोजिशन ना, तब तक रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा, आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ मैं। अब मेरा नेक्स्ट है ना, ये देखो, तो ये मेरा यहाँ से जाएगा सीधा एक, ये मेरा एफ टू एफ वन पे, ओके, मेरा जो ऑब्जेक्ट टू एफ, सॉरी ये थोड़ा हिल गया, तो चलो उसको सीधा यहाँ पे आया एक फर्स्ट, और सेकंड जब तक ऑप्टिकल सेंटर ना खाली है ना मेरा, तब तक उसमें से ही जाता है एक पॉइंट,
तो मेरी इमेज थोड़ी सी रॉन्ग भी आ सकती है, आप करेक्ट मेजर लेके आपके बुक में करना है। ओके, मैंने लिया था मेजर, थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, कैसे ये बोर्ड पे कर रहा हूँ। ओके, सो मेरा फर्स्ट ये गया रे एंड सेकेंड मेरा यहाँ से जाने वाला है। ओके, कहाँ से जाएगा मेरा, तो यहाँ से जाएगा। ओके, प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, तो ये इधर से ऐसे निकलेगा। और जो रे आप दिखा रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली बीच में लेना चाहिए आपको, तो आपका जो इमेज है ना यहाँ पे आना चाहिए था, थोड़ा सा हट गया मतलब, तो ये इमेज आपका टू F1 पे ही आना चाहिए मतलब, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा A1 और B1। ओके, तो ये मेरा A है और ये मेरा B है। मैं आपको समझाने के लिए, एवरी डिस्टेंस आपको जो डिस्टेंस लेना है, जो यहाँ का रे एग्जैक्ट मीड में लेना है आपको इमेज ड्रॉ करनी, तो मेरा थर्ड डायग्राम है आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऑब्जेक्ट जो रखा था, ऑब्जेक्ट प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट, तो ये प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट मेरी कहाँ पे, 2F1। इमेज इमेज की प्लेस कहाँ पे है, इमेज 2F2। देखो साइज साइज ऑफ इमेज सेम सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। ओके, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज, और ऑब्जेक्ट की जो साइज है वैसे सेम आएगा। देखो सेम साइज, ओके सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट साइज। एंड द फोर्थ नेचर आएगा, नेचर आपका जो है रियल एंड इन्वर्टेड, यही आएगा। ओके, तो ये पॉइंट्स से आपको अच्छी तरह से लिखने, आपको चार्ट बना के दिया है, मैं आपको इलस्ट्रेट करने के लिए सब बता रहा हूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑल डायग्राम्स ऑन नोटबुक, यू विल गेट द करेक्ट इमेजेस। ओके, सारे के सारे इमेजेस आपको करेक्ट मिलेंगे। तो अभी मेरा यहाँ पे आएगा। ओके, सो फर्स्ट मेरा एक रे जो रहता है ऊपर से ही जाता है। ओके, सो इट इज़ फर्स्ट रे, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ओके, एंड द सेकेंड रे विल पास थ्रू दिस ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से आएगा, जैसे जाएगा वैसे बनाओ आप। ओके, तो ये मेरा आगे जाएगा और इसको मैं आगे लेके जाता हूँ पहले, बाद में इसको और आगे लेके जाऊँगा मैं। ओके, तो इसको मैं लेके जाता हूँ और आगे। ओके, इस तरह से आया है मेरा। ओके, एंड दिस विल बी पासिंग फ्रॉम दिस। ओके, तो इसको इस तरह से पास करेंगे हम लोग। ओके, दिस इज द फोर्थ ओके कंडीशन। तो चलो ये पास हो गया। अभी देख लो आपका ये ऑब्जेक्ट का इमेज जो मुझे मिला है, लार्ज आएगा, ये क्या आएगा, लार्ज। ओके, लार्जर आएगा, लार्जर एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये ए डॉट है, बी डॉट है मेरे। ओके, सो इन दिस वे ऑब्जेक्ट को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, इमेज भी आगे जा रही है। ओके, सो मेरा अभी ऑब्जेक्ट का प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट जो था मेरा बिटवीन, मैंने कहाँ पे लिखा है, 2F1 एंड F1। इमेज का जो मेरा प्लेस है वो यहाँ पे चेंज हो गया, बियॉन्ड आ गया, बियॉन्ड। ओके, बियॉन्ड 2F2। थर्ड मेरा नेचर साइज जो है लार्जर आएगा, क्या आएगा, लार्जर। ओके, एंड मेरा फोर्थ है नेचर ऑफ इमेज जो मेरा था वो आएगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो इस तरह से आपको इमेजेस मिलेंगी। अभी मेरे पास और एक पॉइंट है, अभी मैं आपको कहाँ पे इमेजेस ड्रॉ करनी वो बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है ना, मैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे उसको मैं आगे लेके आऊँगा। इन द नेक्स्ट केस आई विल टेक दैट ऑब्जेक्ट एट दिस प्लेस। ओके, F1 पे आएगा, बाद में F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच यहाँ पे आएगा, तब आपको इमेज ना वर्चुअल मिलेगी। ओके, एंड इरेक्टेड मिलेगी, इरेक्टेड वर्चुअल एंड इरेक्टेड, वो यही साइड पे बनेगी। तो आपके दो इमेजेस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए वो आपको खुद को करने। अगर मैं F1 पे ऑब्जेक्ट लिखता रखता हूँ तो ऑब्वियसली मेरा एक रे है ना सीधा ऐसा जाएगा और एक ऐसा जाएगा। ओके, और ये दोनों के दोनों रे ना एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। ओके, दोनों के दोनों रे पैरेलल रहेंगे एंड द इमेज विल बी फॉर्म एट द इन्फिनिटी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को F1 पे रखता हूँ तो इमेज इन्फिनिटी पे रहेगी और नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड। आपका पांच जो इमेजेस बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड रहते हैं। आपका जो लास्ट इमेज जो बनता है, द लास्ट इमेज ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस, ओके, वो आपका जो बनता है वो बनता है मीन्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे ऐसा बड़ा बनता है, इट इज़ वर्चुअल एंड द इरेक्ट। ओके, रियल नहीं रहता, वर्चुअल एंड इरेक्टेड रहते। तो ये थे आपके इमेजेस किस तरह ड्रॉ करने, मैंने आपको सिंपली बता दिया है एंड दिस इज़ वेरी इजी, बट यू हैव टू टेक द मेजरमेंट ऑफ बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ऑलवेज इक्वल। ओके, मेजरमेंट अच्छी तरह से ले लो, इमेज की जो हाइट ऊपर की रहेगी वो सेम लेना है हर केस में, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ द इमेजेस और देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट और
दी रे डाइग्राम्स फॉर द इमेजेस। ओके, रे डाइग्राम्स बनानी है आपको, सही तरीके से बनानी है आपको, इजीली आ जाएगी। मैं जानबूझ के आपको समझा रहा था कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है 3 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए, एक ही इमेज ड्रॉ करनी पड़ती है। तो ये सीख लो, आपको काम आएगा। अभी इसके बाद कॉन्केव लेंस का भी इमेजेस दिया, बट आई एम जस्ट नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। दैट पॉइंट यू हैव टू डू योरसेल्फ, आपको खुद को करना है। मैंने खाली इसका कॉन्वेक्स लेंस का आपको समझा दिया है, आपको इस तरह से इमेजेस ड्रॉ करनी है। एंड दिस पॉइंट इज वेरी एम्पी पॉइंट बिकॉज देर आर मोस्ट चांसेस टू आस्क वन क्वेश्चन ऑन दिस पॉइंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। तो ये एक पॉइंट था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। 2 इमेजेस आपको खुद को कंस्ट्रक्ट करनी है, अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है कहीं पे तो प्लीज़ डू कमेंट्स, वी विल ट्राई टू कंस्ट्रक्ट दैट बोथ इमेजेस इन द नेक्स्ट, मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो एक टॉपिक तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। ओके, जो भी टॉपिक है उसके बारे में हम लोग लर्न करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ओके, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओके, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर, ऑन द अबव साइड एंड बिलो साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है। सो नाउ सी दैट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, डिस्टेंस परपेंडिकुलर द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। ओके, ये दोनों के लिए सेम है। ओके, ये दोनों के लिए सेम है, बोथ मीन्स कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। और डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओके, फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड राइट हैंड साइड ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव, ये राइट हैंड साइड डिस्टेंस पॉजिटिव एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड लेफ्ट हैंड साइड इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव। ओके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोथ दोनों के लिए सेम है, मतलब यहाँ पे भी सेम है यहाँ पे भी सेम। ओके, तो इतना ही मुझे कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में सीखना है। द डिस्टेंस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन और ऑप्टिकल सेंटर इज पॉजिटिव, डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द दिस ओके ओरिजिन और दिस ऑप्टिकल सेंटर इज नेगेटिव एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर ओके टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द अबव साइड इज पॉजिटिव एंड डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस and below side is negative, okay? And मुझे और एक point इसमें IMP है जिसका नाम है focal length। Focal length of convex lens is positive and focal length of concave lens is negative। तो ये Cartesian sign convention है जो आपको formulas मतलब जैसे 1/V - 1/1=1/F जो आपका lens formula है उसमें use करना पड़ता है for the focal length। Focal length of the convex lens is positive and focal length of कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, तो वहाँ पे आपको इसको यूज़ करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट मोस्टली हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं तो उसका डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ती है। मिरर मतलब जैसे मिरर फार्मूला वैसे लेंस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके कोई भी न्यूमेरिकल आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। तो ये डिस्टेंस जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक बार ज़रूर आप देख लेना। अबाव साइड डिस्टेंस है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, अबाव साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव है, बिलो साइड का नेगेटिव है, आपके ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड का डिस्टेंस नेगेटिव एंड राइट हैंड साइड का डिस्टेंस पॉजिटिव, इतना ही यहाँ पे। एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये आपको कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में लर्न करना है, ये आपको याद रखना है। तो ये था मेरा एक टॉपिक जिसको मैंने डायग्राम भी ड्रॉ किया और आपको समझाया अभी। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो मिरर फॉर्मूला, उसके बाद ही मैग्निफिकेशन है, देन द पावर ऑफ लेंस है जो डायप्टर में मेजर करते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ह्यूमन आई। ओके, हाउ इट इज़ एग्जैक्टली वर्क, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड व्हाट आर द सेंसिटिव पार्ट्स एंड हाउ दे एग्जैक्टली कोऑर्डिनेटेड विद योर ब्रेन एंड हाउ द इमेज इज फॉर्म इन आई। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स आईज दैट ऑल थिंग्स विल डिस्कस एंड द डिफेक्ट्स ऑफ द आईज। ओके, कौन कौन से डिफेक्ट्स है, जैसे नियर साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है जिसको हम मायोफिया बोलते हैं, एंड वन इज़ द हाइपरमेट्रोफिया एंड देन द नेक्स्ट इज़ अ प्रिस बायोफिया। ओके, सो दीज आर द डिफेक्ट्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल डिफेक्ट्स
एंड देन फाइनली डिस्कस अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेस एंड देन वी विल कंप्लीट दिस लेसन. ओके, जितना जल्दी हो सके मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, बट दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस लेसन इन वेरी गुड वे सो यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस लेसन और आउट ऑफ मार्क्स फ्रॉम दिस, एंड दिस इज पॉसिबल. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन. तो हम लोग डिस्कस करते हैं मिरर फार्मूला, नहीं सॉरी लेंस फार्मूला. मिरर फार्मूला प्लस में रहता है, यहाँ पे लेंस में, यहाँ पे माइनस है. सो वन ऑफ ऑन वी माइनस वन ऑफ ऑन यू इज इक्वल टू वन ऑफ ऑन एफ. ओके, तो ये मैं आपको मिरर फार्मूला बता रहा हूँ. ये वी जो है आपका, यू जो है आपका एफ है, एफ इज़ फोकल लेंथ, ये मुझे पता है इट इज़ फोकल लेंथ. ओके, ये फोकल लेंथ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. अभी ये जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, में सिंपली लिखता होगा इसको एकदम शॉर्ट में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ के लिए स्टैंड होते हैं, एंड वी इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. ओके, आपको शॉर्टली लिखता हूँ, जल्दी समझ में आएगा. ओके, सो यू इज इक्वल टू ओ, मतलब ये जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना वी, एंड वी इज इक्वल टू आई. ओके, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एफ इज फोकल लेंथ. नाउ एच इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज. ओके, हाइट ऑफ इमेज, ये भी सेम है, एंड एच वन इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है. देखो, तो ये कुछ चीज़ें आपको शॉर्टली मैं समझा रहा हूँ. वी आपको पता है, वी का भी मतलब मैंने बताया, डिस्टेंस ऑफ इमेज अगेन, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप याद रखो. अभी मैं मैग्निफिकेशन, इट इज़ द रेशियो ऑफ साइज और हाइट. ओके, साइज बोलेंगे हम लोग, हाइट की वजह से साइज बोलेंगे. ओके, और द हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, ये मैग्निफिकेशन बोलते हैं. पावर ऑफ लेंस, इट्स कैपेसिटी ऑफ कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. ओके, इज नोन एज पावर ऑफ लेंस. कैपेसिटी रहती है लेंस की, जिसमें वो कॉन्वर्ज करता है नहीं तो डाइवर्ज करता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ लेंस. सो उसको पावर बोलते हैं. पावर इज वन अपॉन एफ. ओके, इट इज़ द इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. ओके, पावर इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. सो पावर जो है मेरी डायप्टर में मेजर की जाती है, डायप्टर, इट्स यूनिट इज डायप्टर, एंड फोकल लेंथ जो मेरी मीटर में मेजर की जाती है, तो एम लिखते हैं डायप्टर के लिए, हम लोग डायप्टर ही लिख देते हैं. ओके, सो दिस इज़ द रिलेशन. सो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत शॉर्ट में आपको समझ में आनी चाहिए. यू इज़ द, यू स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एंड वी स्टैंड फॉर इमेज, एंड देन एच टू स्टैंड फॉर इमेज, एंड एच वन स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट, एंड सिमिलरली वी अपॉन यू जो हम लोग मैग्निफिकेशन में लिखते, ये सारी चीज़ें हैं ना बहुत ईजी. एक बार प्लीज़ अच्छी तरह से देख लो, ताकि ये दिस थिंग्स विल हेल्प यू फॉर द न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए हेल्प करेंगे. मेरे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस करता हूँ, तो मैं उसका रिसीव प्रोकॉल. ओके, दिस इज द इनवर्स ऑफ पावर, इसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ. वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस, मतलब जितने भी मैं लेंसेज कंबाइन कर दूँ उनकी पावर क्या हो जाएगी. द इफेक्टिव पावर विल बी द सम ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ द ऑल लेंसेज. ओके, इफेक्टिव पावर इज सारे लेंसेज की पावर कंबाइन होके जितनी भी पावर बनेगी उसको इफेक्टिव पावर ऑफ लेंस बोलते हैं हम लोग. तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. ओके, आपको सारी की सारी चीज़ें समझ के लेनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल्स के लिए, और आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगा इससे. सो शॉर्टकटली जितना इसको अंडरस्टूड करोगे, समझ के लोगे, ये आपका लेंस फॉर्मूला है, आपका इमेज जो मतलब आपका जो मिरर फॉर्मूला था, वन अपॉन वी प्लस था वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ. सो वी स्टैंड्स फॉर द इमेज, यू स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट, एफ स्टैंड्स फॉर द फोकल लेंथ, H2 stands for the image, H1 stands for the object, and remaining all things are constant. F is focal length, and P is the power of the lens. Okay, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, समझ के लेनी है, ताकि ये सारी की सारी चीज़ें आपको use करने को मिलेगी कहाँ पे, in examination, when you solve the problems, or when you write the answers or solutions for this lesson. तो ये सारी चीज़ें आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेनी है. अगर फिर भी आपको डाउट्स रहेंगे तो आपको कमेंट्स करना है, आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा. ओके, तो एक टॉपिक था मैंने जिसको आपके साथ डिस्कस किया. अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, ह्यूमन आई एंड द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, हाउ एग्जैक्टली ह्यूमन आई वर्क्स. ओके, तो मैं उसका डायग्राम ड्रॉ करके आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पार्ट्स को आपको समझा के देता हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा.
सो वी विल लर्न अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई. ओके, किस तरह से ह्यूमन आई बना हुआ है इसके बारे में लर्न करते. तो चलो इसको देखते हैं हम लोग. फर्स्ट मेरे पास कॉर्निया है, जो ऊपर का जो पार्ट है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो रहता है हमारे आँखों के ऊपर, उसको कॉर्निया बोलते हैं. उसके बाद में मेरे पास है इरिस, सेकेंड नंबर देख रहे हैं इरिस, दिस इज फर्स्ट कॉर्निया, सेकेंड नंबर इरिस, थर्ड नंबर मेरे पास पुपील है. ओके, मैं यहाँ पे चाहे तो नंबर्स दे देता हूँ. फर्स्ट कॉर्निया, सेकेंड इरिस, थर्ड पुपील. ओके, ये तीन हो गए मैंने फर्स्ट लिखे थे. एंड देन द क्रिस्टलाइन लेंस फोर्थ है मेरे पास से. उसके बाद में मेरे पास फिफ्थ जो रेटिना, रेटिना आप लोग देख रहे हैं रेटिना, दिस इज फिफ्थ. और बाकी जो पार्ट्स मैंने यहाँ पे दिखाए हैं उसके. एंड द ऑप्टिक नर्व, मेरे पास ऑप्टिक नर्व जो सिग्नल्स ब्रेन को भेज देती है, दिस सिक्स. मुझे इतने पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है. एंड द मसल्स है जो आपके सेंसिटिव रहते हैं, जो मतलब यहाँ पे देन सेलेरोटिक कोट है, देन द क्रोइड है मेरे पास, देन द ऑप्टिक डिस्क है मेरे पास. मसल्स है सिलियरी मसल्स है जो आपके कॉन्ट्रैक्शन और आपके आई के अंदर के कॉन्ट्रैक्शन, और उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रेयरफैक्शन, जिस जैसे बोलते हैं जैसे मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना. एंड देन द वर्ड्स आर यूज हियर, आई हैव दिस वर्ड्स विथ मी. ओके, ह्यूमन आई के जैसे कि रहते ओके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते कभी कभी अमाउंट ऑफ लाइट. ओके, सो पुपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन दिस ब्राइट कॉन्ट्रैक्ट्स. ओके, डिम वाइडन्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइडन. ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सिलियरी मसल्स के हेल्प से ही की जाती है. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई. दिस डायग्राम इज नॉट एग्जैक्टली मैचिंग बिकॉज कलर्स नहीं है, इसलिए नहीं ड्रॉ कर सका. कलर्स रहते थे ड्रॉ भी कर देता आपको. ओके, सो वर्किंग के बारे में बात करते हैं हम लोग. मेरे पास कॉर्निया, वेरी ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन जो रहता है ऑन द अपर साइड, ओके, जो आंखों के ऊपर रहता है उसको कॉर्निया बोलते हैं. एंड लाइट एंटर्स फ्रॉम द कॉर्निया. ओके, लाइट एंटर्स हो जाती है एंड देन इट गेट्स रिफ्रैक्टेड इन साइड द कॉर्निया, रिफ्रैक्टेड हो जाती है, मतलब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो जाता है लाइट का. एंड द इरिस, ओके, डार्क फ्लेसी स्क्रीन जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया. ओके, जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया देर इज अ डार्क फ्लेसी स्क्रीन रहती है, उसको हम लोग बोलते हैं. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, इट्स कलर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोग के आँखों का कलर अलग अलग रहता है. उसके पीछे जो रीज़न है इरिस रहता है और उसकी वजह से. एंड इट्स कलर इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल. देन लाइट फर्स्ट एंटर इन द कॉर्निया, मीन्स दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट कवर है, मेम्ब्रेन है, उससे लाइट एंटर करके इरिस में जाती है. आफ्टर दैट देर इज़ अ पुपिल, ओके, स्मॉल होल रहता है इरिस के बीचों बीच, एक छोटा सा इतना जगह है ना, इसको स्मॉल होल बोलते हैं. एंड देर इज द स्मॉल होल चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ इरिस, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. ओके, सो वेन इज ब्राइट लाइट इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वेन एवर देर इज अ डीम लाइट इट्स वाइडन्स. ओके, ये काम जो आपके पुपिल का है. ओके, इट इज़ द वर्क ऑफ पुपिल, देर इज अ स्मॉल होल, ये जो बीच का होल दिख रहा है इसको स्मॉल होल बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं. ओके, एंड जस्ट बिहाइंड द पुपिल देर इज़ द डबल कॉन्वेंस कॉन्वेक्स लेंस. ओके, क्रिस्टलाइन लेंस, एक डबल कॉन्वेक्स है दोनों साइड से, उसको क्रिस्टलाइन लेंस है. ओके, नाउ द वर्क ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस, ओके, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ एंड द फॉर्मेशन ऑफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, दिस इज द वर्क ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस. जो एडजस्टमेंट है फोकल लेंथ का अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मेनली डन बाई योर दिस डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस. एंड इट जस्ट कंट्रोल मीन्स द फोकल लेंथ. ओके, इट जस्ट एडजस्ट द फोकल लेंथ एंड द पावर, इट इज द पावर ऑफ लेंस एक्चुअली, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड इट हेल्प्स मीन्स इट इट जस्ट फॉर्म द इमेज. ओके, इमेज बनाता है, फॉर्म करता है, और इमेज कहाँ पे बन जाती है, रेटिना. इट इज़ वर्किंग एज अ स्क्रीन, रेटिना जो आपका है स्क्रीन की तरह वर्क करता है. एंड द इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना. And retina is attached to your the optic nerves. Okay, nerve cells are attached. Then the electric signals are produced. Electric signals are produced on the retina. Then that cells get excited and that cells are joined to your optic nerves. And this optic nerve just supply this signal to the brain and then brain analyze the exact image. What is the object is in front of eye. Okay, so these are the processes. And these processes are happening very fast. Okay, our brain and this means your observation, you just click at any object, that object image is forming in the eye. And this process is very sensitive and very fast. Okay, ये process है बहुत sensitive है, बहुत fast है, इसलिए हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत clearly देख सकते हैं. And distinct vision जो बोलते हैं, distinct vision, the objects should be at least minimum at a distance 25 centimeter.
25 सेंटीमीटर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस है, उसको डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन डिस्टेंस बोला जाता है, जहाँ तक मैं क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर। अगर उससे कम डिस्टेंस में रहेगा ऑब्जेक्ट तो मेरे जो आँख है उसके ऊपर क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब हम लोग को प्रेशर आता है, स्ट्रेन आ जाता है, ओके स्ट्रेन आ जाता है एंड वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट मीन्स वेरी क्लोज टू आइज ओके वेरी क्लियरली, बिकॉज द मिनिमम जो मेरा विजन डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर, एटलीस्ट इट शुड बी एट 25 सेंटीमीटर्स और मोर दैन द 25 सेंटीमीटर्स देन आई कैन ईजिली सी दैट ऑब्जेक्ट क्लियरली। बट द इफ द ऑब्जेक्ट इज मीन्स वेरी क्लोज लेस दैन 25 सेंटीमीटर्स देन इट इज़ वेरी टफ टू एडजस्ट द फोकल लेंथ एंड देन द देर इज स्ट्रेन ऑन योर आईज एंड यू कैन नॉट सी दैट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली। ये भी रीज़न है आपके ऑब्जेक्ट को न देखने का कारण, एकदम नज़दीक से नहीं देख सकता मैं बिकॉज फोकल लेंथ विल नॉट बी एडजस्टेड बाई दी। तो ये हमारे आई का लिमिट है, ओके डिस्टिंग विजन का हमारा एक लिमिट है जो हम लोग एकदम नज़दीक की चीज़ भी क्लियरली नहीं देखते और इन्फिनिटी की चीज़ भी हम लोग को क्लियरली नहीं देख सकते, बट इन्फिनिटी तक हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट देख सकते, जैसे स्टार्स को हम लोग देख सकते, जैसे कि हम लोग मून को देख सकते, बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर उससे नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली आपको नहीं दिखाई देता। बट दीज आर दी पार्ट्स, ओके ये सारे पार्ट है, सिलियरी मसल्स है आपके, देन सेलोराटिक कोट है आपका, कुरॉइड है आपका, देन मसल्स है, ऑप्टिक डिस्क है, ऑप्टिक डिस्क से जो सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से ऑप्टिक नर्व्स तक जाते हैं, देन दैट नर्व्स जस्ट पास आउट दैट सिग्नल टू ब्रेन एंड द ब्रेन एनालाइज व्हाट एवर द इमेज विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ आई, ओके एंड इमीडिएटली यू कैन ऑब्जर्व द इमेज, यू कैन एनालाइज द इमेज, यू कैन से दिस इज द बुक, दिस इज द दिस आर द पेन्स, इस तरह आप बोल सकते हो। दिस इज रीजन द मैग्निफिकेशन पावर एंड द पावर ऑफ लेंस विच आर प्रेजेंट इन योर आई आर वेरी स्ट्रांग, ओके बहुत स्ट्रांग है, इट इज़ अमेजिंग, ओके। तो ये आपके कुछ पार्ट्स है जिनके वर्किंग के बारे में मैंने यहाँ लिखा है शॉर्टली, कॉर्निया, इरिस, पुपिल, डबल कॉन्वेक्स एक्सटर्नल लेंस, रेटिना, इट इज़ वन ऑफ द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म, ओके एंड देन फाइनली ऑप्टिक नर्व एंड देन द ऑप्टिक डिस्क इज ऑल्सो देयर एंड द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर प्रोड्यूस एंड देन दिस सिग्नल्स आर पास आउट फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क टू ऑप्टिक नर्व एंड दिस देन दिस आर पास आउट टू द brain and the brain analyze the nature of object, image of object and the color of object, okay. So colors, ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ से मतलब ये सारे parts है जो बहुत sensitive रहते हैं, इनसे हम लोग को मतलब किसी भी चीज़ के बारे में पता चलता है। तो आप एक बार please go through all these things and just try to learn this topic very clearly because there are more chances to ask a question based on this topic. तो इस topic के ऊपर भी question पूछा जाता है आपके exam में, तो इसको आप अच्छी तरह से learn करो, I hope ओके यू विल डू दैट थिंग, मुझे आशा है कि आप वो करोगे एंड ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, ओके जो मैंने यहाँ पे दिखाया दिस डायग्राम इज नॉट टू मच परफेक्ट बट आई जस्ट ट्राइड एंड दिस आर द पार्ट्स और इसमें कुछ एडिशनल पार्ट्स भी रहेंगे जैसे कि हम लोग को कलर्स कैसे दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में भी आपके इस लेसन में दिया है, तो सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे बट आफ्टर दिस देर आर सम विजन डिफेक्ट्स, ओके सो उनको नियर साइटेडनेस मायोफिया बोलते हैं, फायर साइटेडनेस उसको बोलते हैं हम लोग आइफर मेट्रोफिया, देन द लास्ट वन ये जो बहुत मीन्स बाईफोकल लेंस जिसको लगती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिस बायोफिया, ओके तो ये सारी चीज़ें हम लोग लर्न करेंगे एंड देन वी विल लर्न अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मैं ट्राई करूँगा आपको बताने के लिए किस तरह एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहिए, देन वी विल कम्प्लीट दिस सेशन। So we will learn about the defects of vision and their correction. Okay, defects कौन कौन से और उनके correction किस तरह से किए जाएंगे ये हम लोग अभी learn करेंगे। तो मेरे पास 3 defects है यहाँ पे मैंने लिखे, near sightedness इसको myopia बोला जाता है, जिसमें आपकी जो near object you can see clearly, okay जो आपके near by object है you can see that object clearly, but those object at the means long place you cannot see that object clearly, okay so that type of defect is called as the near sightedness और उसको myopia बोला जाता है कि जो close के object है you can see clearly, okay but you cannot see the long objects very clearly, so उसको बोलते हैं near sightedness myopia। उसके पीछे reasons है the curvature of cornea and the eyeball increases, okay curvature the muscles near the lens cannot relax so the converging power of the lens remains large, okay तो ये इसके पीछे reason आपको दिया है, okay
तो ये फर्स्ट रीजन है एंड आई बॉल इलांगेट सो द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीज. आई बॉल इलांगेट मतलब ये हो जाता है, इलांग होता मतलब सब फूक जाता है. ओके तो उसकी वजह से जो डिस्टेंस है आपके रेटिना और लेंस का वो बढ़ जाता है. ओके सो दीज आर द रीजन्स एंड यू कैन करेक्ट दिस डिफेक्ट्स बाई यूजिंग स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्केव लेंस. ओके विद द प्रॉपर फोकल लेंथ स्पेक्टेकल्स यूज करो कॉन्केव लेंस तो फर्स्ट आपका जो रेज आएगा लाइट का किसी भी ऑब्जेक्ट का वो डाइवर्स हो जाएगा एंड देन अगेन इट गेट्स कॉन्वर्ज ऑन दी रेटिना एंड यू कैन सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली. ओके दिस इज द फर्स्ट. देन सेकेंड फार साइटेडनेस और इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोफिया. ओके फार साइटेडनेस सो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट दूर की चीज़ आप क्लियरली देख सकते हो बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट यू कैन सी क्लियरली बट क्लोज ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट सी क्लियरली. ओके सो दिस इज द अनदर केस. सो इन दिस केस सी द कर्वेचर ऑफ कॉर्नियन आई लेंस इंक्रीजेस तो यहाँ पे आएगा डिक्रीजेस फार साइटेडनेस में तो आपको ये वर्ड चेंज करना पड़ेगा डिक्रीजेस. ओके द मसल नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स तो मसल नियर द लेंस क्या हो जाएगा इसका देखो आपको दिया है यहाँ पे. ओके एक ये हो गया आपका फर्स्ट द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस तो यहाँ पे द कर्वेचर ऑफ कॉर्नियन आई लेंस इंक्रीजेस एंड द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस डिक्रीजेस. लेंस रिमेंस लार्ज तो यहाँ पे लेस हो जाती है कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेंस लेस. ओके लेस यहाँ पे लार्ज की जगह लेस डाल दो एंड द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो द कॉन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेंस लेस. ओके एंड द आई बॉल यहाँ पे इलांगेट से या फ्लैटन कर दो फ्लैटन. ओके सो द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर दो. तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे पिकआउट करना है और इसका जो हम लोग सोल्यूशन है एक कॉन्वेक्स स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस स्पेक्टेकल्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हम लोग को यहाँ पे यूज कर लेंस ऑफ एक स्पेसिफिक फोकल लेंथ. ओके ये यूज करना है एंड फ्रिस्बायोफिया जो बोलते हैं हम लोग इसमें दोनों बाई फोकल लेंथ चाहिए. ओके उसको नियर साइटेडनेस भी रहता है और लॉन्ग साइटेड मीन्स नियर बाई ऑब्जेक्ट भी नहीं दिखते और लॉन्ग की भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखते तो यह बाई फोकल लेंस को हम लोग बाई फोकल लेंस वी आर प्रिपेयरिंग यर बाई फोकल लेंस. ओके बाई फोकल लेंस यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं एंड द बोथ डिफेक्ट्स आर देयर. ओके इसके पॉइंट्स और दोनों के पॉइंट्स इसमें ऐड हो जाते हैं. ओके नियर साइटेडनेस में जो पॉइंट्स दिए आपके डिफेक्ट्स के वो पॉइंट्स और फार साइटेडनेस में जो पॉइंट्स दिए दोनों को ऐड करके एफ्रिस बायोफिया में लिख दो आप तो हो जाएगा बाईफोकल लेंस. तो ऊपर का जो रहता है कॉन्केव लेंस रहेगा ऊपर का अपर लेंस एंड बिलो का जो रहेगा कॉन्वेक्स लेंस रहेगा. ओके कॉन्वेक्स लेंस और इससे जो स्पेक्टेकल बनेगा प्लस ओके स्पेक्टेकल सो इट इज़ यूजफुल टू दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स. ओके तो ये नॉर्मल ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट्स है उसके रिलेटेड डिसीजेस है मीन्स दिस दिस आर दी मीन्स सम डिफेक्ट्स. ओके मीन्स आपको कभी कभी नज़दीक की चीज़ नहीं दिखती कभी कभी दूर की क्लियरली नहीं दिखती एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओके फ्रिस्बायोफिया इज मोस्टली ऑब्जर्व इन द ओल्ड एज पीपल्स. ओके जो जिनका एज हो गया उनके मसल्स लूज हो जाते हैं आई मसल्स एंड दैट्स वाई दे आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम एंड दिस प्रॉब्लम्स कैन बी करेक्टेड बाई यूजिंग सच टाइप ऑफ स्पेक्टेकल्स. तो ये था एक टॉपिक जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन फॉर डाइग्राम्स यू हैव टू जस्ट चेक योर बुक. आपको आपका बुक देखना है उसके अंदर डाइग्राम्स दिए उनको आप एक बार देख लो एंड यू ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स. तो एक पॉइंट था जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया किस तरह आप इस डिफेक्ट्स को सॉल्व कर सकते हो कौन से स्पेक्टेकल्स यूज करने चाहिए ये सारे पॉइंट्स इसमें बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स कर लो आप एक बार एंड द लास्ट टॉपिक इज देयर द एप्लीकेशंस ऑफ द लेंसेस. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ लेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड देन ओके नेक्स्ट मेरे पास लास्ट पर देन लास्ट पॉइंट इज देयर आई थिंक दैट इज़ अ परसिस्टेंस ऑफ विजन जिसको परसिस्टेंस बोलते हैं हम लोग कि कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा टाइम क्यों नहीं मतलब ऐसा मैंने मुँह घुमा लिया मुझे वो चीज़ देखती है इस चीज़ के बारे में भूल जाता हूँ. सो इसको परसिस्टेंस ऑफ विजन बोलते हैं कि कोई भी चीज़ की जो मेमोरी है हमारे आँख में वो जैसे कि वैसे इनप्रिंट क्यों नहीं रहती. ओके ये नहीं रहती बिकॉज दिस इज़ द वन ऑफ द गुड थिंग विच इज़ गिफ्टेड बाई गॉड टू एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स. हम लोग का गिफ्ट है कि जैसे कोई चीज़ देखा उसकी इमेज भूल जाते तुरंत दूसरी इमेज देखते तो वो इमेज हमारे आँखों में बन जाती. इसको परसिवनेस ऑफ आइज बोलते हैं परसिवनेस ऑफ विजन बोलते हैं. तो ये लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन.
सो विल डिस्कस रिमेनिंग टॉपिक्स. ओके, मेरे पास यूजेस है यहाँ पे, यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस, मेडिकल इक्विपमेंट, स्कैनर, सीडी प्लेयर, देन पीप होल इन डोर. हम लोग के डोर के बीच में जो होल रहता है उसमें ये कॉन्केव लेंस यूज कर दे, वन और मोर कॉन्केव लेंसेज उसमें रहते हैं, स्पेक्टेकल्स, नियर साइटेडनेस और मायोफिया बोलते हैं उसको करेक्ट करने के लिए, टॉर्चेस में कैमरा, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, यह सारी चीज़ों में इनका यूज़ किया जाता है. यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पेक्टेकल्स. यहाँ पे ऑप्टिकल, इनमें इनका यूजेस होता है. कहाँ कहाँ पे होता है आपको अगर डिटेल में चाहिए, सो डू द सर्च ऑन इंटरनेट, यू विल गेट द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजेस ऑफ दिस ऑल. ओके, परसिस्टेंस ऑफ विजन जो बोलते हैं, हमारे आंखों के सामने जब तक कोई ऑब्जेक्ट रहता है उसी को हम लोग देख सकते हैं, बाद में उसको नहीं देखते. सो इट्स 1/16 seconds, विद इन दैट टाइम वी कैन जस्ट फॉरगेट अबाउट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट व्हेन वी सी द सेकेंड ऑब्जेक्ट. एंड दिस पावर ऑफ आई टू जस्ट चेंज विद द ऑब्जेक्ट इज नोन एज परसिस्टेंस ऑफ विजन. ओके, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन. एंड परसिस्टेंस ऑफ कलर. ओके, कलर हम लोग को दिखते, वाई वी कैन सी द कलर्स. ओके, रेटिना जो रहता है हमारे रेटिना के ऊपर हमारे पास दो सेल्स रहते हैं, मीन्स सेंसिटिव सेल्स. वन जो मेरा है रॉड लाइक शेप का रहता है, एंड सेकेंड द कोन लाइक शेप. ओके, लाइक अ कोन, लाइक अ रॉड. ओके, एंड दिस कोनिकल एंड रॉड लाइक शेप सेल्स हैव टू डिफरेंट रोल्स. रॉड लाइक सेल्स जो मेरे हैं, दे रिस्पॉन्ड टू लाइट, डिम और ब्राइट लाइट. ओके, वाइडन और जस्ट कॉन्ट्रैक्ट, इट्स डिपेंड्स ऑन द और दिस रॉड लाइक सेल्स. ओके, लाइट ब्राइटनेस एंड डिमनेस ऑफ लाइट कैन बी ऑब्जर्व बाई दिस रिस्पॉन्ड बाई द रॉड लाइक सेल्स. एंड दिस कोनिकल सेल्स जस्ट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर, एंड वी कैन सी द कलर्स इन द ब्राइट लाइट ओनली, बिकॉज दिस कोनिकल सेल्स मीन्स वेरी इफेक्टिवली वर्क्स इन द ब्राइट लाइट ओनली. ओके, अगर डिम लाइट रहेगा तो उसमें वो नहीं ज़्यादा वर्क करती, एंड वी कैन नॉट सी कलर डिस्टिंक्टली. ओके, और डार्कनेस में तो नहीं दिखाई देती. सो दीज आर द टू सेल्स, रॉड लाइक सेल्स मेरे कोन लाइक और कोनिकल सेल्स है. दिस सेल्स रिस्पॉन्स टू द ब्राइटनेस और डिमनेस ऑफ लाइट, एंड दिस सेल्स रिस्पॉन्स टू कलर्स. ओके, एंड सो वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट और इट्स कलर्स बिकॉज ऑफ दिस सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द रेटिना वेयर द इमेज इज फॉर्म. ओके, जहाँ पे इमेज बन जाती है. तो ये मेरे लास्ट टॉपिक थे जिनको मैंने आपके साथ शेयर किया है. I have tried to explain this lesson as per my abilities, but I will suggest you do the thorough study of this lesson, because this lesson is very important, and this lessons not only give you marks but it can increase or enhance your knowledge level also. Okay, तो आपको इसका deep study करना है. अभी जो exercise दिया है जिसमें से मुझे लगता है कौन कौन से questions आपको बताने चाहिए, some questions you can do yourself also. So I am going to explain that all questions which are means important to tell you, and those questions which can you do yourself, I'm just explain that questions orally. उसको खत्म करते हैं और हम लोग ये सेशन को क्या कर दे, खत्म कर देते. तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज मोस्टली ओरली समझा देता हूँ. मेरे पास फार साइटेडनेस से मैंने बताया कि हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट, ओके, फार अवे ऑब्जेक्ट कैन सीन क्लियरली. ओके, दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, और इसके लिए हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए. ओके, देन ब्रिस बायोफिया. ओके, फ्रिस बायोफिया, इसमें हमें दोनों भी मतलब प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड एज बोलेंगे इसको, और इसके लिए बाइफोकल लेंस चाहिए. मेरे पास नियर साइटेडनेस है, वी कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कैन बी सीन वेरी क्लियरली. ओके, एंड वी नीड द कॉन्केव लेंस. तो ये था मेरा फर्स्ट मैच द पीएस. ड्रॉ ए फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ लेंस. मैंने जो टर्म्स आपको 6 बताई थी वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है. सेम फिगर आपको ड्रॉ कर देनी है. ओके, एट विच पोजिशन विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस सो हैज टू गेट अ रियल इमेज एज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट ड्रॉ इमेज. ओके, आप कहाँ पे रखोगे, 2F1 पे रखोगे तो आपको 2F2 पे सेम साइज इमेज मिल जाएगी. ये आपको प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ इमेज एंड द नेचर ऑफ इमेज यू हैव टू राइट. ओके, लाइक दिस. तो इसको सॉल्व करो. मैंने वो डायग्राम ड्रॉ की, उसको याद रखो. यू साइंटिफिक रीजन, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर द वॉच रिपेयर्स. क्यों किया जाता है, आपको इसके पीछे रीजन ढूंढना पड़ेगा. वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट बिकॉज द अभी मैंने बताया आपको. वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस लेस दैन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, बिकॉज डिस्टिंक्ट विजन जो हमारी है वो 25 सेंटीमीटर मिनिमम है. ओके, मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे कम रहेगा तो हम लोग को ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता. मैंने बताया था और आपको भी खुद को लिखना पॉसिबल. एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप यूजिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. आपकी बुक में इसका डायग्राम दिया, उसका वर्किंग भी दिया, आपको लिख देना है.
डिस्टिंग्विश बिटवीन द फार साइटेड एंड नियर साइटेडनेस, आपको डिस्टिंग कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस आपको डिस्टिंग करना है। व्हाट इज फंक्शन ऑफ इरिस एंड द मसल कनेक्टेड टू द लेंस इन द ह्यूमन आई, वो आपको डायग्राम याद करनी है, उसके अंदर के पॉइंट्स को देख के ये करना है आपको। मैं आपको जो आपके न्यूमेरिकल से वो सारे सॉल्व करके दे रहा हूँ एंड देन विल कंप्लीट दिस सेशन। सो विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। मेरे पास फर्स्ट है, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1.5 डायोप्टर। ओके, डायोप्टर मतलब ये पावर, लेंस के पावर का यूनिट है। व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ लेंस विजन। ओके, तो मुझे सॉल्व करना है, मुझे गिवन है, मीन्स पी इज गिवन, ओके, प्लस 1.5 डी। ओके, मुझे एफ फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ। सो देयरफॉर फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, P इज इक्वल टू 1/F, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ओके, दिस इज फॉर्मूला, हम लोग यूज करेंगे इसको। देयरफॉर 1.5 इज इक्वल टू 1/F, देयरफॉर F इज इक्वल टू 1/1.5, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, 10/15 बन जाएगा। ओके, सो देयरफॉर F इज इक्वल टू 10/15, सो इसको मैं डिवाइड नहीं कर सकता, देयरफॉर मैं जीरो ले लूँगा। ओके, 15 सिक्स आएगा, ओके, 0.6 एंड 90 हो गया, 100 हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 7 ले लेते हैं। ओके, तो ये आएगा मीटर में। ओके, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू प्लस 0.67 मीटर, ये मेरा सोल्यूशन आएगा। तो फोकल लेंथ मुझे मिल गया, मुझे लिखना है, सब लिखना है। ओके, दिस इज द पावर ऑफ लेंस, दिस इज द फोकल लेंथ, वर्ड्स में लिख दो आप अच्छी तरह से तो भी चलेगा। ओके, सो देयरफॉर व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, देयरफॉर टाइप ऑफ लेंस मुझे लिखना है, टाइप ऑफ लेंस, तो ये आएगा कॉन्वेक्स लेंस आएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एंड व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन मेरा आएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन जो मेरा है वो आएगा फार साइटेडनेस। ओके, फार साइटेडनेस, और उसको दूसरा वर्ड है हमारे पास हाइपर मेट्रोफिया। ओके, तो ये आपका टाइप आ जाएगा डिफेक्ट। तो इस, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है, वेरी इजी। ओके, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की होना, ओके, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। ओके, एस आई थिंक इट इज़ हाइट, ओके, ऑब्जेक्ट की वो हाइट है मुझे लगता है ऐसे, वन सेकेंड मैं देख लेता हूँ। ओके, वेर इज इट, ओके, आई थिंक इट इज़ द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, H1 इज गिवन, राइट। सो मुझे जो गिवन है मैं लिखता हूँ यहाँ पे फर्स्ट, गिवन में जो हम लोग को दिया वो लिखेंगे। ओके, गिवन फर्स्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज़ H1, इट इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, अबाव ये प्लस रहेगा। सेकेंड मुझे दिया है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग U बोलते हैं। ओके, इट इज़ बैक साइड, सो इट इज़ -25 सेंटीमीटर। देन द कॉन्वर्जिंग लेंथ ऑफ फोकल लेंथ, F दिया है। ओके, F जो रहता है मेरा फोकल लेंथ, जो मेरा कॉन्वर्स लेंस के लिए पॉजिटिव रहता है, 10 आएगा। ओके, इट इज़ पॉजिटिव फॉर द कॉन्वर्स लेंस। ओके, और मुझे टू फाइंड में क्या है, टू फाइंड जो है मेरा यहाँ पे मुझे जो दिया, डिटरमाइन द पोजिशन साइज एंड द, तो मुझे फाइंड करना है, दिस इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मुझे हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज जो मेरा H2 रहेगा वो मुझे फाइंड करना है। ओके, एंड सेकेंड मुझे फाइंड करना पड़ेगा, सेकेंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज मुझे फाइंड करना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये मुझे फाइंड करना है वी। ओके, तो ये दोनों फाइंड करना है। चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट फॉर्मूला है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला मेरे पास है यहाँ पे, 1/V - 1/U इज इक्वल टू 1/F, लेंस फॉर्मूला। ओके, एंड सेकेंड फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, इसको फर्स्ट मैं सेकेंड नाम देता हूँ, V/U इज इक्वल टू H2/H1। ओके, मैग्नीफिकेशन का दो फार्मूलाज यूज़ करना है और इस सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग। ओके, सो 1/V / 1/U इज इक्वल 1/F, मेरे पास 1/V निकालना है, माइनस मुझे 1/U दिया है। ओके, इट इज़ गिवन -25, ओके, इट इज़ गिवन, एंड 1/1 इट इज़ 10। ओके, तो ये 1/V प्लस बनेगा आपका, ये 1/25 और ये बनेगा 1/10,
सो देयर फॉर वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन टेन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव. तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वन अपॉन वी इज इक्वल टू आपको ट्वेंटी फाइव माइनस टेन अपॉन टू हंड्रेड फिफ्टी मिल जाएगा. ओके तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, आप थोड़ा समझ के ले लो इसको. ओके देयर फॉर वन अपॉन वी इज इक्वल टू मेरा आएगा यहाँ पे फिफ्टीन अपॉन टू फिफ्टी. ओके इस तरह से आएगा, देयर फॉर वी जो मेरा है टू फिफ्टी अपॉन फिफ्टीन आ जाएगा. ओके तो चलो इसको डिवाइड कर देते हम लोग. ओके सो फिफ्टीन वन ज़ा फिफ्टीन. ओके तो मेरे पास बचा टेन. ओके हंड्रेड हो गया, फिफ्टीन सिक्स ज़ा नाइन्टी. ओके फिफ्टीन सिक्स ज़ा नाइन्टी, तो अब इस तो सेवन आएगा, सिक्सटीन पॉइंट सेवन कुछ ऐसे मतलब सेंटीमीटर आ जाएगा. ओके सो वी इज इक्वल टू सिक्सटीन पॉइंट सेवन सेंटीमीटर. ये मेरा आ गया फर्स्ट. ओके अब बाद में मुझे एच देफो मेरा नेक्स्ट जो है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन. तो वी मुझे मिला 16.7. इसको मैं यहाँ पे अगर रिड्यूस करके रख देता हूँ तो मतलब कैसे, फाइव थ्री ज़ा फाइव फाइव ज़ा ओके फाइव थ्री ज़ा फाइव फाइव ज़ा ओके फिफ्टी थ्री अपॉन फिफ्टी भी आ सकता है. तो ये थ्री अपॉन फिफ्टी लिख देते हैं यहाँ पे, थ्री अपॉन फिफ्टी. और U जो मेरा यहाँ पे मुझे U दिया है 25 दिया है, इट इज़ 25 माइनस 25 आई थिंक. ओके यस आई थिंक दिस इज गिवन एक्चुअली. ओके व्हाट एवर द गिवन, इज इट ओके ये करेक्ट है माइनस 25 एस करेक्ट है. ओके माइनस 25 H2 मुझे फाइंड आउट करना है, H1 मेरे पास है, इट इज़ गिवन H1 is given, I think. Okay, H1 is what? It is fine. Okay, तो इसको सॉल्व करते हैं. ओके आपको बता दूँ अभी ये जो है ना मेरा ये ऊपर जाएगा यहाँ पे. यस इट्स करेक्ट आई थिंक. ओके तो ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा एस. ओके तो ये जाएगा इसको मल्टीप्लाई और ये इसको मल्टीप्लाई. तो देर फॉर H2 मेरा, मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ. देखो क्या होता है, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे वन है तो वन ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा. ओके सो दिस फाइव ओके यहाँ पे अभी इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, नहीं तो आपका कन्फ्यूजन हो जाएगा. सो ये थ्री एज इट इज़ रहेगा, ये फिफ्टी है उसका. ओके इन टू बनेगा ये, दिस विल गो देयर एंड दिस माइनस 25 एंड देन एच टू अपॉन फाइव. ओके इस तरह आ जाएगा. तो थोड़ा सा इसको हम लोग ये कर देंगे तो ये बनेगा मेरा के दिस विल बी वन सेकेंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन. चलो 16.7 ही रख देते क्यों मगजमारी करेंगे हम लोग. देयरफॉर H2 मेरा जो है यहाँ पे 5 इंटू 16.7 आ जाएगा और ये माइनस 25 आ जाएगा. ओके अभी कर देते इसको 5 वन ज़ा 5 फाइव फाइव ज़ा तो ये बनेगा माइनस 16.7 अपॉन 5. तो इसको करेंगे 5 थ्री ज़ा ओके वापस वन बचा 5 थ्री ज़ा ओके माइनस में आएगा. ओके एंड वापस 2 बचता है राइट ना, 5 थ्री ज़ा 5 थ्री ज़ा ओके तो 17 में से है अभी 2 बचेगा. ओके तो 5 4 ज़ा ओके तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाता है. ओके सो इट इज़ देयरफॉर H2 इज इक्वल टू माइनस 3.34 सेंटीमीटर. ओके चलो पॉइंट में इसको करते हैं. तो ये मेरे दो सॉल्यूशन आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा संभाल के करो आप लोग, बहुत ईजी लेकिन संभाल के करो. अभी मेरा जो इमेज है ना उसका जो साइज है ओके मतलब डिस्टेंस है इट इज़ पॉजिटिव. सो इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड एंड H2 नेगेटिव है मतलब वो नीचे की तरफ. ओके सो इट इज़ रियल एंड इन्वर्ट. मुझे क्या लिखना है, डिटरमाइन द पोजिशन साइज एंड टाइप ऑफ इमेज. पोजिशन है जो आपका इमेज का पोजिशन आपको बता दूँ मैं. अगर ये आपका साइज़ है कि डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ इमेज जो आपका 16.7 आ गया है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था वो 25 था मतलब वो ज़्यादा था एक्चुअली और जो आपका इमेज का डिस्टेंस है वो कम आ गया. ओके तो उसका पोजीशन जो आपका है पोजीशन ऑफ इमेज दिस इज ओनली ओके दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज. तो लेकिन आपको अगर आपके वर्ड्स में करना पड़ेगा ना तो सोचो कहाँ पे आएगा. ओके इट इज़ मोर एंड इट इज़ लेस वेरी टू बिकम टू एंड एफ टू के बीच में आ जाएगा वो इमेज. ओके आप ये अगर उस तरह से करते तो ये मेरे दो प्रॉब्लम्स थे. थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये किया था अप्स डाउन बट यू डू प्रॉपरली. ओके इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस, दीज आर द फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स फ्रॉम द न्यूमेरिकल्स
एंड दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी बट लिटल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड एंड लिटल मतलब लिटल योर एप्लीकेशन स्किल्स मीन्स रिक्वायर्ड ओके आपको ये दोनों चीज़ें यूज करके सॉल्व करनी. तो ये दो फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया, अभी रिमेनिंग टू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. So we will solve the last two numericals and okay, we'll see how to solve this, okay? इनका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ. मुझे यहाँ पे थ्री लेंसेस है उनकी पावर दी, ओके? तो पी वन मैं फर्स्ट लेंस की बोलता हूँ, टू डायोप्टर, पी टू फॉर द सेकेंड लेंस, 2.5 डायोप्टर एंड पी थ्री फॉर द थर्ड लेंथ, ओके? इट इज 1.7 डायोप्टर एंड आई हैव टू फाइंड पी, ओके? पी मीन्स पी टोटल और पी मुझे फाइंड करना. तो पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री ये फॉर्मूला है मेरा. टोटल पावर ऑफ लेंस मुझे निकालना है, देयरफॉर फी आएगा मेरा ए 2 + 2.5 + 1.7. चलो इनको ऐड करते हैं, 5 and 7 मुझे 12 + 2 मिलेगा, कैरी 1 किया 6.2 डायोप्टर, ओके? सो द टोटल पावर ऑफ लेंस, ओके, देयरफॉर द टोटल पावर ऑफ लेंस, द टोटल पावर ऑफ लेंस इज 6.2 डायोप्टर, ओके? तो आपके बुक में इसका सोल्यूशन दिया आपको 6.2 डायोप्टर. मेरे पास है ऑब्जेक्ट कैप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस गिव्स अ वर्चुअल इमेज 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस. व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज इट डाइवर्जिंग और द कन्वर्जिंग, ओके? मुझे फाइंड करना है. सॉल्यूशन मैं इसका लिखता हूँ. सो मुझे यू दिया, यू मीन्स 60 सेंटीमीटर, ओके? ये आपको पता है इट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड वी दिया मुझे डिस्टेंस, इट इज वर्चुअल मीन्स सेम साइड है, ओके? ये दोनों चीज़ें मुझे दिए. आपको चाहिए तो लिखो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, चाहे तो आप इस तरह से लिख के बाद में लिखो एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज. मैं इसको शॉर्ट करके लिख रहा हूँ ताकि टाइम थोड़ा सेव हो जाए, ओके? फॉर्मूला जो मेरे पास है, 1/v - 1/e = 1/f फॉर्मूला बोलते हैं इसको. और मुझे f फाइंड करना है, ओके? आई हैव टू फाइंड f इज इक्वल टू व्हाट. सो फर्स्ट गिवन, देन फॉर्मूला एंड देन प्रूफ यू राइट, बट आई एम राइटिंग डायरेक्टली, ओके? Therefore, 1/f is equal to, मैं इसको ये करता हूँ, 1/-20 - 1/-60. ये इस तरह बन जाएगा. Therefore, 1/f is equal to, ये 1/-20 + 1/60 ये प्लस बन जाएगा. तो ये 1/f is equal to मेरा जो है 60 - 20 / this, ओके? माइनस ये माइनस बन जाएगा ना ये, सो 12, सो -1200 बन जाएगा, ओके? तो ये आएगा 40 - 1200, ओके? सो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू -1200 / 40, 0 0 गेट कैंसिल, 4 3 जा, तो -30 सेंटीमीटर आएगा. सो एफ इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर. सो एफ इज नेगेटिव, ओके? एफ इज नेगेटिव और फोकल लेंथ इज नेगेटिव. सो द लेंस इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग, ओके? डाइवर्जिंग, तो आपको इस तरह लिखना है, लेंस इज कॉनकेव और डाइवर्जिंग, ओके? ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया. आप चाहे तो इसको थोड़ा और अच्छी तरह से डेकोरेट करके लिखो, बिकॉज यू हैव टू राइट इन बोर्ड एग्जामिनेशन और इन योर रेगुलर एग्जामिनेशन, यू हैव टू राइट इन बेटर वे दैन मी, ओके? मैं खाली समझाने के लिए आपको ये सॉल्व करके दिखाया, हाउ टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स. What are the questions which are given in your exercise? You have to solve that all questions in a better way, so you will understood the concept in better way and you will get the marks in better way. Okay, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अच्छी तरह से करो, समझ के ले लो, थोड़ा सा रीड करो, बुक्स को ज़्यादा रिफर करो, बुक के अंदर के पॉइंट्स को देखो, बुक के अंदर के डेफिनेशन को देखो, ताकि वो ज़्यादा आपको बेनिफिट्स करती है फॉर साइंस सब्जेक्ट, ओके? तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बुक के अलावा डाइजेस्ट में भी ढूंढनी चाहिए, ताकि आपको सारी चीज़ें पता नहीं रहती है, जैसे केमिकल रिएक्शंस, जैसे कोई भी टॉपिक रहेगा. सो यू नीड द हेल्प ऑफ डाइजेस्ट ऑल्सो, सो टेक दी हेल्प ऑफ डाइजेस्ट ऑल्सो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स विच आर गिवन इन यूर एक्सरसाइज एंड इन द बुक एंड इन द लेसन, ओके? एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको ऑन टाइम मिलती रहे. थैंक्स एंड कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम.